राम राम किसान भाइयों। किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस समय गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में उड़ने वाले रस चूसक कीड़े, जिसमें से वाइट फ्लाई, जिसे सफ़ेद भुनगी के नाम से जाना जाता है, इसका प्रकोप फसलों पर बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी फसल है, सबसे ज़्यादा प्रकोप इन्हीं का होता है फसलों पर। तो इसके लिए आप सर्वप्रथम उलाला कंपनी, UPL कंपनी की उलाला जो दवा आती है, इसके बारे में हम आपको आज जानकारी देंगे कि ये सफ़ेद भुनगी पर किस प्रकार से कार्य करती है। किसान भाइयों, सफ़ेद भुनगी की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। हम अपने दैनिक जीवन में लगभग कई प्रकार के कीट देखते हैं, जिनको आसानी से हम नष्ट भी कर देते हैं अपनी फसलों में, लेकिन सफ़ेद भुनगी, जो वाइट फ्लाई के नाम से जानी जाती है, इसको गर्मियों के मौसम में मार पाना, नष्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी रोकथाम के लिए हम आज UPL कंपनी की जो उलाला दवा आती है, बहुत ही कारगर है इसके लिए, इस पर हम आज बात करेंगे। किसान भाइयों, यदि आप सफ़ेद भुनगी की समस्या से परेशान हैं, आपकी फसल कोई भी है, लगभग सभी प्रकार के फसलों में इस दवा का आप छिड़काव कर सकते हैं। किसी भी फसल पर इसका बुरा प्रभाव नहीं होता है, ये नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन इसकी मात्रा आप जान लीजिए और किस समय डालना है आप ये भी जान लीजिए। किसान भाइयों, जैसे बैंगन की फसल है, या बैंगन के बाद में आप करेला की फसल के बाद में लौकी तरुई की फसल है, यदि आप सफ़ेद भुनगी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आप UPL कंपनी की उलाला जो दवा आती है, ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही लाभदायक इंसेक्टिसाइड होती है। UPL कंपनी की उलाला जो दवा होती है, ये 30 ग्राम का पैकेट आप 15 लीटर वाली टंकी में आप 6 टंकी पानी बना सकते हैं, यानी कि आप इसको 80 से 90 लीटर पानी में घोल बनाकर, जो 30 ग्राम का पैकेट आता है, इसकी एक डिब्बी आती है, उलाला लिखा होता है इस पर UPL कंपनी की, तो इसको आप 80 से 90 लीटर पानी में घोल बनाकर अपनी खड़ी पर फसल पर छिड़काव करें। किसान भाइयों, इस समय दोपहर के समय में छिड़काव ना करें, छिड़काव जब भी करें आप, तो आप शाम के टाइम वही करीबन 4-5 बजे के आसपास अपना फसल पर छिड़काव शुरुआत करें। किसान भाइयों, इसकी डोज जो है 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होती है। इसका घोल बनाकर आप अपनी खड़ी फसल पर छिड़काव करें, तो आप सफ़ेद भुनगी की समस्या से निपटारा हो सकता है। इसका असर जो है आपकी फसलों पर, वैसे तो 10 से 12 दिन होता है, लेकिन गर्मियों के मौसम में टम्परेचर की वजह से, तापमान की वजह से, थोड़ा आप इसका छिड़काव दोबारा पुनः आप करीबन 7 से 8 दिन के अंतराल पर फिर कर दें, ताकि जो भुनगी है वह पूरी तरह नष्ट हो जाए। इसके छिड़काव से, किसान भाइयों, आप के ये जो भुनगी होती है, भुनगी में जो प्रोसेस होता है प्रजनन का ये अंडे, बच्चे सहित सबको मार देती है। इसलिए आप जो है UPL कंपनी की उलाला जो दवा आती है, इसका प्रयोग करें। 5 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में घोल बनाकर खड़ी फसल पर करें। आप इस दवा का प्रयोग सभी प्रकार के फसलों पर कर सकते हैं, जिसमें सफ़ेद भुनगी अर्थात वाइट फ्लाई का बहुत ज़्यादा प्रकोप है। किसी भी फसल पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात ये आपके फसल पर किसी भी प्रकार का कोई बुरा असर नहीं डालेगी। आप इसका दोबारा छिड़काव 7 से 8 दिन में पुनः करें, गर्मियों के मौसम में। बाकी आपकी फसल के अनुसार, या आप अपने अनुसार भुनगियों को देखकर, वाइट फ्लाई को देखकर, आप अपनी फसल पर पुनः छिड़काव कर सकते हैं, जब पुनः दोबारा भुनगी सफ़ेद वाली हो जाए। सफ़ेद भुनगी के अलावा ये काली भुनगी को भी मारती है। रस चूसक उड़ने वाले जो भी कीड़े होते हैं, उनको ये मारती है। लेकिन आप यह ध्यान रखें कि आपको, आपकी फसलों में कब ज़्यादा इसका प्रकोप हो रहा है, तब आप इसका पुनः छिड़काव करें। छिड़काव करने के बाद में आप जहाँ तक हो सके तो इसके साथ कोई कीटनाशक दवा, अर्थात कीड़े की, रेंगने वाले कीड़े की दवा, या कोई हार्मोन्स
या कोई PGR या जिब्रेलिक एसिड, ह्यूमिक एसिड, फोलिक एसिड, जहाँ तक हो सके आप इसके साथ प्रयोग ना करें। अगर नहीं हो पाता है, आप भारी मात्रा में पानी का स्प्रे करते हैं, तो आप इसके साथ मिलाकर कर सकते हैं। साथ में दवा मिलाकर ना प्रयोग करें तो ज़्यादा रिजल्ट इसके परिणाम आते हैं आपकी फसलों पर। यदि आपकी फसल ज़्यादा है और यदि आप इसके साथ कोई PGR वगैरह या कोई टॉनिक वगैरह आप मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं, लेकिन इसका जो प्रभाव होता है, अधिक दवाओं को एक साथ मिलाने से उसका प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप इसके साथ कोई दवा न मिलाएं। किसान भाइयों, जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद किसान भाइयों।